वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भूकंप। इससे पहले की क्लास में जब हमने वीडियो बनाया था तो उसमें हमने जिक्र किया था कि नेक्स्ट क्लास जो होगी वो हमारे भूकंप और ज्वालामुखी पर होगी, लेकिन भूकंप का चैप्टर स्वयं में अपना बहुत ही बड़ा है, तो उसको मैंने शॉर्ट में करके आपके लिए कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे ऑब्जेक्टिव्स बनते रहते हैं और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टॉपिक को। और टॉपिक को शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को 2 या 3 बार अगर आप देख लेते हैं तो भूकंप से संबंधित भूकंप का जो भी क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में आए आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो भूकंप पर बात करने से पहले थोड़ा हम भूकंप के विषय में बताते हैं। तो पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है ये वाला भाग, इसमें जब कंपन उत्पन्न हो जाता है, पृथ्वी के आंतरिक हलचलों के द्वारा जब इसमें कंपन उत्पन्न हो जाता है तो उसी को भूकंप कहते हैं। अब देखिए वो आंतरिक हलचल क्या होती है, किस प्रकार होती है। तो पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें पाई जाती हैं, पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्लेटें पाई जाती हैं, तो उन प्लेटों में गति होती है। क्या होती है? नंबर एक तो प्लेटें पाई जाती हैं, उनमें गति होती है। और वो गति जो होती है फ्रेंड्स, वो गति 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की गति होती है, 3 प्रकार की गति। अब वो तीनों प्रकार हम बताएंगे और उनमें से किस प्रकार की गति होने से भूकंप उत्पन्न होता है। तो नंबर एक, रूपांतरित गति। जब प्लेटों में रूपांतरित गति होती है तो ये गति किस प्रकार की होती है? देखिए, दो प्लेटें हैं, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है। ये जो दो प्लेटें हैं, जब ये प्लेटें ऊपर, एक प्लेट ऊपर जाएगी और एक प्लेट नीचे आएगी, तो इसको कहते हैं रूपांतरित गति। इसको क्या कहते हैं? रूपांतरित गति। दूसरी जो गति है उसे कहते हैं अपसारी गति। क्या कहते हैं? अपसारी गति। तो अपसारी गति के अंतर्गत दो प्लेटें होती हैं और ये दोनों प्लेटें विपरीत दिशा में दौड़ जाती हैं। तो एक प्लेट उधर जा रही, एक प्लेट उधर जा रही है, दोनों ने अपना अलग अलग रास्ता अपना लिया है। तो ये इस प्रकार की, जब प्लेटों में, दो प्लेटों में जब इस प्रकार की गति होती है, एक प्लेट इस तरफ जा रही है राइट, एक लेफ्ट जा रही है, तो इसको अपसारी गति कहते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड है वो है अभिसारी गति। अभिसारी गति, तो अभिसारी गति किस प्रकार से होती है? देखिए, दो प्लेटें हैं और इन दोनों, ये दोनों प्लेटें जब एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं, एक दूसरे की ओर आकर्षित होती हैं, खींचती हैं, तो ये दोनों प्लेटें इस प्रकार से चढ़ जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, तो इसको कहते हैं अभिसारी गति। तो ये जो अभिसारी गति के कारण फ्रेंड्स क्या होता है, पर्वतों का निर्माण होता है, पर्वत निर्माण। जब ये अभिसारी गति होगी तो इनसे नवीन बलित पर्वतों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऊपर जो दूसरी नंबर की गति थी अपसारी गति, इससे क्या, इससे ज्वालामुखी की घटनाएं घटित होती हैं, ज्वालामुखी की घटनाएं घटित होती हैं। अब बचा है रूपांतरित गति, तो रूपांतरित गति के कारण ही भूकंप आते हैं। किस गति के कारण भूकंप आते हैं? रूपांतरित गति के कारण ही भूकंप आते हैं। अब हम लोग, यहां तक समझ में आया आप लोगों को, इसको नोट कर लीजिए और इसको 2 या 3 बार वीडियो को जैसे ही आप देखेंगे तो वीडियो पूरा समझ में आ जाएगा। और जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं उतनी ही काफी है, उसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, अगर टाइम है तो बिल्कुल पढ़िएगा। तो चलिए अब कुछ भूकंप से संबंधित है कुछ और चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें, भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसको, इसका अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही भूकंप मापक जो यंत्र होता है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है सिस्मोग्राफ। अब यहां पर जब सिस्मोग्राफ की बात हुई है तो यहां पर रिएक्टर स्केल का नाम आएगा ही आएगा। तो रिएक्टर स्केल क्या होता है? उस जो रिएक्टर स्केल होता है उसी के, उसी पैमाने पर हम भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। भूकंप की तीव्रता आपने सुना होगा कि 6.5 का भूकंप आया लद्दाख में,
उत्तराखंड में 5.6 का भूकंप आया, तो इस प्रकार से आप सुनते रहते होंगे, तो वो किस किस स्केल पे मापे जाते हैं, तो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती हैं, रिएक्टर स्केल बोलते हैं उसे, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए भूकंप का मैंने ये फिगर बनाई, ये अर्थ है और ये ऊपर की जमीन है, ऊपर की भूपर्पटी है। देखिए मान लीजिए भूकंप का जो केंद्र था, भूकंप का केंद्र ये है, तो इसको जहां जहां से भूकंप स्टार्ट होता है, जहां से भूकंप स्टार्ट होता है उसको केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, मूल कहते हैं। केंद्र लिखने से अच्छा है आप इसको मूल लिखिए, इंग्लिश में बोले तो फोकस कहते हैं, फोकस या मूल कहते हैं इसे, भूकंप मूल कहते हैं। उसके बाद में ये भूकंप मान लीजिए इस तरफ फैल गया, इस तरफ, और सबसे पहले यहां पर इसका आभास हुआ। जहां पर भूकंप का सबसे पहले आभास होता है, जहां पर भूकंप हमें सबसे पहले महसूस होता है, उसको कहते हैं एपिसेंटर बोलते हैं। क्या कहते हैं? एपिसेंटर, एपिसेंटर बोलते हैं। अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र या भूकंप केंद्र हिंदी में बोलेंगे, और जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ उसको फोकस बोलते हैं, यानी कि मूल बोलते हैं, और जहां पर सबसे पहले भूकंप का आभास होता है उसको हम फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र, या इंग्लिश में एपिसेंटर, या फिर भूकंप केंद्र बोलते हैं। अब बात करेंगे ये जो भूकंप उत्पन्न होते हैं तो ये तरंगों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे भूकंपीय तरंगों के विषय में, भूकंपीय तरंगे। तो फ्रेंड्स भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, तो हम बातचीत करेंगे भूकंपीय तरंगों, भूकंपीय तरंगे। तो देखिए फ्रेंड्स भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं। कितनी? तीन प्रकार की होती हैं। नंबर एक अगर हम लोग बात करें, नंबर एक भूकंपीय तरंगों के विषय में, तो पहली भूकंपीय तरंग होती है उसको हम लोग कहते हैं पी तरंग, पी तरंग, या इसी को नाम देते हैं प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग, प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, या इन्हीं को हम कहते हैं लंबवत तरंगे, पी तरंग या प्राथमिक तरंग या लंबवत तरंग, ठीक है। तो ये जो तरंगे होती हैं फ्रेंड्स, ये सबसे पहले महसूस होती है। मान लीजिए ये फोकस था, भूकंप का फोकस कहां पे था? ये था, तो भूकंप इधर आया और सबसे पहले हमें यहां पर महसूस हुआ, तो ये जो तरंगे ये सबसे पहले हमें महसूस होती है। भूकंपीय तरंगों में पी तरंग सबसे पहले भूपर्पटी पर आती है, क्योंकि इसकी जो गति होती है, ये लगभग, इसकी गति लगभग कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलती है, और यही तरंग हमें सबसे पहले महसूस होती है। और भी ये चीज आपको बता दें कि जब भी भूकंप आता है उससे पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा अधिक हो जाती है, जब भी भूकंप आएगा तो उससे पहले रेडान गैस की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे हमें आभास हो जाता है, वैज्ञानिक लोग अनुमान लगा लेते हैं कि इस समय पर भूकंप आने की संभावना रहेगी, ठीक है, जिससे हम लोग अलर्ट हो जाते हैं। तो पी तरंग के विषय में बातचीत कर रहे थे, ये जो तरंगे हैं ये ठोस और तरल दोनों में चल सकती हैं, ठोस या तरल दोनों में चल सकती हैं, यानी कि जो पी तरंगे हैं यही केवल पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजर सकती हैं। पृथ्वी के केंद्र से होकर कौन सी तरंगे केवल गुजर सकती हैं? पी तरंगे गुजर सकती हैं। इनकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। इन्हीं तरंगों को हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे भी बोलते हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। इसके साथ ही ये जो तरंगे होती हैं ये किस प्रकार चलती हैं? जैसे ध्वनि तरंगे चलती हैं, ध्वनि तरंगों की भांति ही ये चलती हैं। किस प्रकार चलती हैं?
ध्वनि तरंगों की भांति ये चलती हैं। अब हम लोग बातचीत करेंगे पी तरंग के बाद में आता है प्राइमरी वेव्स, हमने देखी। अब हम लोग बातचीत करेंगे सेकेंडरी वेव्स की। जो दूसरी भूकंपी तरंग है उसे हम कहते हैं पी एस। अब ये पहले हमने पी देखा, अब एस तरंग के विषय में देखेंगे। इसको हम लोग द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, द्वितीयक तरंग कहते हैं। इसके साथ ही इन्हें हम अनुप्रस्थ या गौड़ तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ या गौड़ तरंगे। जो सेकेंड नंबर की वेव्स हैं एस वेव्स, उनको हम इंग्लिश में इसका नेम एस क्यों रखा गया, क्योंकि एस मीन्स होता है सेकेंडरी वेव्स। तो इनका नेम जो है एस वेव्स रखा गया। सबसे पहले पी तरंग हमें महसूस होती तो उसको प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, पहले जो महसूस हुई, उसके बाद में सेकेंडरी, तो उसको हमने एस नाम दे दिया। उसके बाद में लॉन्ग पीरियड वेव्स होती हैं, उन्हें हम एल तरंगे बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर करनी थी। तो एस तरंगे को द्वितीयक तरंग या गौड़ तरंगे भी कहते हैं, इन्हीं तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये तरंगे जो हैं ये केवल ठोस में चलती हैं, ये केवल ठोस में ही चल पाती हैं, ये केवल ठोस में चल पाती है। इसके साथ ही इनकी जो गति होती है, इनकी जो क्या गति होती है, वो 4 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये तरंगे पी के बाद में हमें, उसके बाद में जो तरंगे महसूस होती हैं वो एस तरंगे होती हैं। तो पी तरंगों की तुलना में एस तरंगे थोड़ी खतरनाक होती, थोड़ी ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी, थोड़ा बहुत नुकसान करती हैं। तो उसके बाद में चलिए अभी तो एस तरंग के विषय में बातचीत कर रहे हैं। तो एस तरंगे जो होती हैं, इनकी जो प्रकृति होती है, चलने की प्रकृति होती है, वो प्रकाश की तरंगों की तरह चलती है। प्रकाश तरंगों की भांति ही ये तरंगे चलती हैं। तो प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं, इन्हें गौड़ तरंग या अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। इसके साथ ही ये केवल ठोस में चल सकती हैं। नेक्स्ट हम लोग बातचीत करेंगे एल तरंगों के विषय में। जो तीसरा नंबर है भूकंपी तरंगों का, उन्हें हम एल तरंग बोलते हैं, एल तरंगे, ठीक है, या तृतीय तरंगे भी इन्हें बोलते हैं, या इन्हें तृतीय तरंग भी बोलते हैं। एल तरंगे लॉन्ग पीरियड वेव्स बोलते हैं। ये बहुत ही लंबे समय तक इनका प्रभाव रहता है और ये सबसे अंत में महसूस होती हैं। इन तरंगों में कंपन अत्यधिक तेज में होता है, कंपन बहुत ही तेज में होता है, ठीक है। तो इनकी गति वही लगभग 1.3 to 1.5 किलोमीटर पर सेकंड होती है। इनकी गति कितनी होती है? 1.3 to 1.5 किलोमीटर पर सेकंड इनकी गति होती है। इसके साथ ही ये जो है, ये केवल पृथ्वी के ऊपरी भाग में ही, ऊपरी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है, ये वाला पृथ्वी का जो ऊपरी भाग जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, केवल इसी में ये चल पाती है, केवल ऊपरी भाग में चल पाती है, ठीक है। तो इस कारण ये जो तरंगे होती है, एल तरंगे, बहुत ही खतरनाक होती है। ये इन्हें विनाशकारी तरंग भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा विनाश करते हैं। इनमें जो कंपन होता है, इनकी जो चाल होती है, वो धीरे धीरे होती है। तो ये बहुत ही अत्यधिक कंपन करते हुए चलती हैं, जिस कारण ये बहुत ही नुकसान करते हैं। इस कारण इन्हें विनाशकारी तरंगों की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और ये जो है, ये तरंगे बहुत ही लंबा मार्ग तय करती हैं, ये तरंगे बहुत ही लंबा मार्ग तय करते हैं। ये इधर से चलती हैं इस प्रकार से, मान लीजिए बहुत ही लंबे दूरी तक ये चलते चले जाती हैं, ठीक है। और यह सबसे देर में पहुंचती है, सबसे पहले पी तरंग में महसूस हुई थी, उसके बाद में एल तरंग में महसूस हुई, उसके बाद में पी के बाद में एस, उसके बाद में एल तरंग महसूस हुई। एल तरंग का नंबर जो आता है सबसे लास्ट में आता है, लेकिन बहुत ही नुकसानदायक ये तरंग होती है। चलिए अब हम कुछ बात करेंगे, कुछ भूकंपीय पेटियां पाई जाती हैं, वो हम केवल आपको बताएंगे कि भूकंपीय पेटियां कितनी हैं और किन किन एरिया में पाई जाती हैं। तो अब हम बातचीत करेंगे पेटियों की, भूकंपीय पेटियां। तो देखिए, भूकंपीय पेटियां जो हैं उन्हें कहते हैं जहां पर एक कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बहुत ही अत्यधिक भूकंप आते हैं
और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कम आते हैं लेकिन बहुत आते हैं, उसके बाद में कहीं कहीं पर बहुत ही कभी 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 कभार भूकंप आते हैं। तो इस प्रकार से पेटियों में भूकंप को बांट दिया गया। तो पहली पेटी है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, पहली जो पेटी है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी। ये जो पेटी है प्रशांत महासागर के तट के आसपास वाला, जैसे कि इसका नाम है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, तो जो प्रशांत महासागर है उसके तट के किनारे जो भी देश बसे हैं, लगभग जो भी 8-9 देश हैं, उन देशों में जो भूकंप आते हैं वो, तो उसको हमने नाम क्या दे दिया, प्रशांत महासागरीय पेटी। विश्व के लगभग 63% भूकंप इसी पेटी में आते हैं। तो प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं, तो प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में आते हैं, ये ध्यान रखना है। तो प्रशांत महासागरीय पेटी तटीय पेटी हो गई, और इसमें जो देश आते हैं वो उनमें चिली नंबर एक, चिली, कैलिफोर्निया। चिली जो है ये दक्षिणी अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का देश है, और कैलिफोर्निया जो है ये यूएसए का एक राज्य है। उसके बाद में अलास्का, अलास्का भी कोई देश नहीं है, तो ये भी यूएसए के अंतर्गत आता है। उसके बाद में जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड, जापान, फिलीपींस और न्यूजीलैंड, तो ये जो देश हैं इनको मिलाकर के प्रशांत महासागरी तटीय पेटी बनती है। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लगभग ये देश नहीं है, लेकिन इन क्षेत्रों में भूकंप बहुत ही अधिक आते हैं, लगभग 63% विश्व के यहीं पर आते हैं। अब नेक्स्ट जो पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी, नेक्स्ट पेटी कौन सी है, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो मध्य महाद्वीपीय पेटी में दुनिया के लगभग 21% भूकंप यहीं पर आते हैं। मध्य महासागरीय पेटी में लगभग 21% भूकंप विश्व के आते हैं, और इसी में अपना भारत देश भी सम्मिलित है, तो ये जो पेटी है ये अटलांटिक महासागर, भूमध्य महासागर से होते हुए महाद्वीप में जो भी पर्वत हैं, आल्पस, काकेशस और हिमालय पर्वत, ये जो जितने भी नवीन पर्वत हैं इसी, इनको होते हुए उधर जापान साइड में निकल जाती है, प्रशांत महासागर की तरफ निकल जाती है। तो इसी पेटी में अपना भारत देश भी सम्मिलित है। तो भारत देश में आप जानते होंगे कि हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं, जैसा कि आप न्यूज में देखते रहते होंगे। तो भारत का जो भूकंपीय क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आता है, किस पेटी में आता है, मध्य महाद्वीपीय पेटी में आता है। चलिए नेक्स्ट जो पेटी है उस पर बात करते हैं, इसका नेम है मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। तो तीन ही पेटियां हैं, उसके अलावा भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कि बंगाल की खाड़ी में भूकंप कभी कभार आ जाते हैं, अरब सागर तरफ भूकंप आ जाते हैं, तो और भी कुछ छोटे छोटे जोन हैं, छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उनमें भूकंप आते रहते हैं, लेकिन पेटियों की बात की जाए तो तीन पेटियां ही हैं। तो तीसरी पेटी है मध्य अटलांटिक पेटी, आइसलैंड से वो वेट, आइसलैंड से इस पेटी का विस्तार, आइसलैंड जो कि उत्तरी उत्तर साइड में पड़ता है, आइसलैंड से लेकर बोवेट द्वीप तक, आइसलैंड से बोवेट द्वीप तक इसका विस्तार है, और इसमें बहुत ही कम भूकंप आते हैं। तो ये जो पेटी है मध्य अटलांटिक पेटी, इसमें कहां पर भूकंप आते हैं, तो जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास में स्थित है वहीं पर भूकंप आते हैं। तो आज की जो क्लास थी भूकंप से संबंधित, उम्मीद करता हूं कि मैंने आप लोगों को अच्छा समझा पाया होगा और आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें,
और अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छी चीज मिली है, जानकारी प्राप्त हुई है, तो कमेंट करें। और अगर आप इसी प्रकार की जानकारी आगे भी पाना चाहते हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किए जाएं तो उनका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप वीडियो को देख सकें। तो आज की इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।